वक्त आने पर जवाब दूंगा। चेहरे और अल्फाज सब याद है हमें। प्लीज आप उनको फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो दिल से एक आर्टिस्ट है, वो उनका प्रोफेशन कुछ दूसरा है। वो ब्लॉग वीडियो बना रहे हैं, खुशी से बना रहे हैं। प्लीज फॉलो कीजिए मतलू भाई ब्लॉग। थैंक यू। हमारी जिनसे बात चल रही है उनके चैनल का नाम है मतलू, मतलू ब्लॉग और शॉर्ट। अच्छा, मतलू ब्लॉग शॉर्ट। तो उनके चैनल को आप जरूर देखें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरी यही सबसे गुजारिश है। अच्छी आना जी मतलू यूट्यूब चैनल को समस्ते शेयर करूँ, लाइक करूँ, फॉलो करूँ, ढेर सारा शॉर्ट वीडियो देखूँ, एंटरटेनमेंट करूँ, एंजॉय करूँ। आप देखिए बहुत भल भल भिड से पोस्ट करूट्यूब चैनल को आपण मैंने लाइक सेयर फॉलो करूँ। ब्लॉगर चैनल को समस्त सब्सक्राइब करूँ एंड बहुत सारा भल भल भिड लाइव शोज आप देखे पाए एंड एंजॉय करूँ एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत मात्रा। थैंक यू सो मच। मतलब भाई का ये चैनल है यूट्यूब चैनल, आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें इनके चैनल को। अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाकर डालते हैं हमारे भाई और माशाल्लाह आप लोगों को अच्छे अच्छे लोगों से भी ये तारुफ कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, अच्छी चीज़ डालते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज शरीफ वगैरह तकरीर वगैरह जलसे का प्रोग्राम डालते हैं। मतलू ब्लॉग चैनल, मतलू ब्लॉग चैनल को समस्ते सुनंतु, देखंतु एवं सब्सक्राइब करंतु। वीडियो जो थे आपण को भल भल कॉमेडी कंटेंट्स पाइबे, भल भल एंटरटेनमेंट वीडियोस पाइबे, तो ताको शेयर करंतु संगमन सहित एवं चैनल को सब्सक्राइब करबे पे जमा रे भूलिबेनी मतलू ब्लॉग। और इनका चैनल जो है मतलू ब्लॉगर के नाम से है, आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, बस यही मेरी इल्तिजा है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जी, मतलब भाई आपसे मिल तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा, अल्लाह आपको अच्छा रखे और आप और कामयाब हो। काफी यूट्यूब चैनल बैठे हैं यहाँ, हमारे मसरूफ भाई भी है और ये प्रोग्राम इंशाल्लाह आपको लाइव देखने मिलेगा। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह उन्हें और उम्र दे। ए दुनिया, ए महफिल, मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ए दुनिया, ए महफिल, मेरे काम की नहीं। तो दोस्तों, एक गाने की वजह से एक छोटा सा आपको इतिहास बताना चाहता हूँ। जब तक जो अपने लिए जियो, क्योंकि ये जो आपका जो चारी तरफ जो दुनिया है ना, ये किसी काम का नहीं है। फिर काम आएगा तो आपका कर्म ही आपका काम आएगा। और आपके पिता माता, जिसको कोई डैडी बुलाता है, कोई मम्मी बुलाता है, कोई माँ बुलाता है, कोई बाप बुलाता है, और एक ऊपर वाला जो जो दुनिया बनाया है, उन लोग को छोड़ देने के बाद में इस दुनिया में और कोई नहीं तुम्हारा साथ देने वाला है। कभी कभी तो अपना भाई भी दुश्मन बन जाता है, कभी अपनी बहन भी दुश्मन बन जाती है, कभी अपने रिश्तेदार भी दुश्मन बन जाते हैं। सब अपने अपने फायदे के लिए जीते हैं इस दुनिया में। तो इसलिए जो गायकर रहते हैं ना, वो ऐसे ही गायकर नहीं बन जाते हैं। तो कुछ मतलब को ले कर ये गाना बनाया गया है। ये दुनिया, ये महफिल कुछ काम का नहीं है, क्योंकि जब तुम मर जाओगे ना, बस हाँ एक काम आएगा। हर इंसान से तुम अपनी तरफ से मोहब्बत दिखाते जाओ। अपनी तरफ से तुम अपनी मोहब्बत दिखाते जाओ, बस बस ऊपर वाला तुमसे राजी हो जाए, बस वही हो गया काम, और कुछ नहीं चाहिए।
ये दिखावट का जिंदगी मत जियो, जो भी जो हकीकत यही। मैं गैरेज में काम कर रहा हूँ, काला कपड़ा है, मुझे को कोई शर्म नहीं है, कोई आया नहीं है। मैं ब्लॉग भी बना रहा हूँ, पार्ट टाइम में ब्लॉग बनाता हूँ, आई एम ब्लॉग, मैं ब्लॉग बनाता हूँ, मुझसे कोई शर्म नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं तू पागल है, कहीं पर भी ब्लॉग बनाता है, कैसे भी बनाता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं देना, मैं पागल हूँ कुछ सही हूँ, तेरे को क्या है रे भाई। बहुत लोग बोलते हैं व्यूज कितना आया, पैसा कितना आया, मैं उन लोग से बोलता हूँ तेरे को क्या है, मेरे को व्यूज नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, बस यकीन इतना है पैसा वो टाइम पे, उसका टाइम जब हो जाएगा तो वो आएगा। मैं YouTube में पैसे के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, सबसे पहली बात तो ये सुन लीजिए, जितने भी जलने वालों को जलती रहे, मुझसे कोई फर्क नहीं। अब जितना रोकोगे YouTube वीडियो बनाने के लिए, मैं उतने उससे और भी ज़्यादा बनाऊँगा, क्योंकि मेरा पसंद, मुझे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि यूट्यूब ही ऐसा क्या एक तो चैनल है, इतना हकीकत बता सकते हो, दिल की बात बता सकते हो, मन की बात बता सकते हो, दुश्मन की हर एक वो चाल भी बता सकते हो, उसके नाम ना लेते हुए भी उसका हरकत भी बता सकते हो। यूट्यूब ही ऐसा चैनल है, और साथ ही साथ में अपना जो गया हुआ दिन, जो गुजर गया हुआ दिन, जैसा कि मेरा जब लड़का हुआ था नदीम राजा, जब जन्म हुआ था मैं उसको गोदी में लेके वीडियो बनाया था, ब्लॉग वीडियो बनाया था, वो डेट ऑफ बर्थ उसके साथ में रह गया। शायद मैं कुछ दिन के बाद मैं भूल भी जाऊं कि उसका आधार कार्ड कहीं गुम भी हो जाए, कहीं भी हो जाए, क्योंकि यूट्यूब से कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि कयामत तक रह जाएगा उसके अंदर, इतना तो मुझे यकीन है। दोस्तों वीडियो, आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ, कुछ और कुछ दो लाइन बोलना भी चाहता हूँ। जब पैसा एक बार आ जाएगा ना, जित वो जो कहा हुआ था ना, जब अभी फिलहाल मैं कमज़ोर हूँ, किसी से मैं लड़ नहीं सकता, हाँ बस इशारे में बस उनको चेतावनी मैं दूंगा, मुझसे पंगा ना ले, वक्त आने पर जवाब दूंगा, चेहरे और अल्फाज सब याद है हमें। तो आप लोग से गुजारिश भी करता हूँ, प्लीज जो मेरे हम सफर हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरा वीडियो ये देख रहे हैं, यदि मेरा अच्छा चाहते हैं, यदि मैं कुछ आगे कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ लाइक के साथ में शेयर करें दोस्तों में, तो मुझे अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। और जब सूरज और चंद्रमा को ग्रहण लग सकता है, मैं कौन हूँ? कुछ लोग भी मेरे जलने वाले हैं, दुश्मन हर तरह वो रहते हैं, और ये मैं कोई बड़ा कोई भी ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं एक छोटा गरीब ब्लॉगर हूँ, छोटा ब्लॉगर के नाते से ही। आपको जैसा ठीक लगे, एक एक बस एक लाइक करने से आपका कुछ घटेगा नहीं, किंतु मुझे ज़रा सुकून मिल जाएगा। इतना ही बोलूँगा आज के लिए, इतना ही ब्लॉग रख रहा हूँ, और एडवांस ईद मुबारक हो आप सभी को। 2024 का ये पहला ईद है, बस अरे ईद तो पहले ही होगा ना, इसमें अंदर वाली बात नहीं है। तो हेलो दोस्तों, तो मैं गुस्से वाला इंसान नहीं हूँ, मैं दिल में किसी का गुस्सा नहीं रखना चाहता हूँ, मुझे इन कभी कभी अपने आदमी बहुत दिल दुखाते हैं, क्या कहें। तो कभी कभी वीडियो के सहारे आप लोग को बस एक इशारा कर दिया, जो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, बस इतना बोलूँगा, बस अपना काम पे ध्यान दीजिए, अच्छा रहेगा। कौन क्या करता है नहीं करता है उस पर मत ध्यान दीजिए, आप मरोगे आपका जो अमल है आपके साथ जाएगा, तो आपके साथ क्या हश्र होगा वो ऊपर वाला ही जानता है, ठीक है। दूसरों को ज़्यादा ज्ञान ना दे, समझ गए। तो
तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त रखते हैं। तो और एक बार बोलता हूँ, ये जो थंबनेल में हम बनाएंगे, नाम रखेंगे, वक्त आने पर जवाब देंगे, चेहरे और अल्फाज, हर बात याद है हमें। खुदा हाफिज़। इतना पसंद करते हो मुझे? ऐसी बात नहीं है, मतलब पसंद नहीं करते हो? तुम तो सारे हो। के दोस्ती हो या दुश्मनी, हम मन लगा कर निभाते हैं, और औकात की बात मत कर, तुम जैसो की बोली हमारे नौकर लगाते हैं। क्या है, मेरे बारे में कोई बातचीत करे या कानाफूसी करे, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरा खून खोल उठता है। दिल परेशान रहता है उनके लिए, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं। हम जिंदा गए करीब उनके। माननीय सांसद जी, अथवा उखाड़ कर आपके पिछवाड़ा में घुसेड़ देंगे, लाइसेंसी गुंडा है हम, का समझे।